लोक आस्था का महापर्व छठ उपराजधानी दुमका में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हम अभी खड़े हैं शहर के तुषारो नदी में और आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहेंगे, जो किस प्रकार उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। एक आस्था का जन सैलाब यहाँ उमड़ पाया पड़ा है और लोग सालों भर इंतजार करते रहते हैं इस महात्योहार का। जो भी बाहर है वो इस मौके पर जरूर अपने घर पहुंचते हैं और उदीयमान सूर्य ही नहीं बल्कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को भी अर्घ दिया जाता है। अभी तक ऐसा प्रायः देखा जाता है, जो उदीयमान सूर्य को अर्घ तो या पूजा तो सब जगह होती है, लेकिन यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और आज उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और इसी के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा, तो निश्चित रूप से जो लोगों में एक उत्साह रहता है, उमंग रहता है त्यौहार पर्व और त्यौहार की अगर बात करें तो वो एक उत्साह, गजब का उमंग और उत्साह यह देखने को मिल रहा है। जो यहाँ का नजारा है आपको हम दिखाना चाहेंगे, इसके नदी है, जलस्तर भले ही कम है लेकिन साफ सुथरा है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जो आस्था का जन सैलाब यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार उमड़ा हुआ है और सभी भगवान भास्कर के आराधना में लीन है और उगा हो सूरज देव जैसे छठ का जो लोक संगीत है उसकी मधुर धुन यहाँ चारों तरफ सुनाई पड़ रहा है और लोग उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देते नजर आ रहे हैं। लोगों को इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है, तो छठ महापर्व है, काफी घर के बाहर रहने वाले लोग भी इस पर्व त्योहार में अपनों से और अपने परिवार से मिलता है। तो जो एक परंपरा सी चली आ रही है लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है और यह एक जीवन का एक सीख भी हमें सिखाता है, जो जिसका अस्त हुआ है उसका उदय भी होगा। तो उदीयमान और अस्ताचल दोनों को अर्घ दिया जाता है। आप देख सकते हैं पहले हम भी इसका हिस्सा बने और सबसे पहले हम भी अर्घ दें उदीयमान भगवान भास्कर को, ताकि जो एक मान्यता है निधि, कितना इंतजार रहता है इस महापर्व का? मुझे लगता है जहाँ तक जितने भी यूपी बिहार झारखंड के लोग हैं वो पूरा साल इंतजार करते हैं सिर्फ इस पर्व के लिए। क्या क्यों, वजह क्या है? वजह मुझे लगता है ये सिर्फ पर्व नहीं है, ये महापर्व है। ये बोलते हैं ना कि इट्स जस्ट नॉट अ फेस्टिवल, इट्स अ वाइब, हमारे लिए कल्चर। ये एक तरीका से आप देखो तो मुझे लगता है कि पूरे जितने भी बिहार झारखंड सभी लोग हैं, हमारा ये जो पर्व है वो मतलब कितना एक्साइटमेंट क्या रहता है। लोग घर के बाहर रहते हैं, इस त्योहार का इंतजार करते हैं ताकि वो समय पर परिवार के बीच आ सके, तो ये एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बहुत ज्यादा रहता है। मुझे लगता है कि मैं भी बाहर रहती हूँ तो मैं पूरे साल इंतजार करती हूँ मैं कैसे घर आ पाऊँ और ये छठ मना पाऊँ, छठ का पर्व। कितना एंजॉय कर रही है? बहुत। क्या एंजॉय कर रही है? छठ पूजा। क्या कैसे मना रही है? पानी में भीगने में मजा आ रहा है? नहीं, अंदर है। ठंडा लग रहा है? नहीं, ना ना। नहीं, चलो नहाते हैं। तो जो एक लोक आस्था का महापर्व है, चार दिवसीय यह पर्व होता है और आज उदीयमान भगवान भास्कर के अर्घ के साथ ही इसका समापन होगा। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।